हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, इनके बारे में। ये क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर उनके लिए जो इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, या फिर उनके लिए भी जो एक जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम अजय गंगवार, वर्किंग इन ONGC सिंस लास्ट 5 ईयर्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस का नाम नेचुरल गैस क्यों है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रिजर्वायर से जैसे जो गैस मिल रही है उसी को हम बोल देते हैं नेचुरल गैस। मतलब अंडरग्राउंड रिजर्वायर आपके लैंड पे भी हो सकते हैं, सी में भी हो सकते हैं, वहां से जो गैस निकलती है उसको बोल देते हैं नेचुरल गैस। वहां से जो गैस निकलती है उसमें मोस्टली आपका मीथेन होता है, बट मीथेन के साथ साथ क्या होता है, उसमें बहुत सारे हैवियर हाइड्रोकार्बन होते हैं, लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन भी होता है और आपका CO2 भी होता है, वाटर कंटेंट भी होता है। ये सारी चीज़ें उस नेचुरल गैस में होती हैं जो कि इसको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं जो है हम कर पाएंगे, जो वेल से निकलती है गैस उसमें H2S भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। तो उसके लिए क्या है कि प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, इवन जो नेचुरल गैस हमारी रिजर्वायर से निकल रही है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं जो H2S निकालते हैं। लेकिन और भी हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, उनको भी निकालते हैं, उनकी रिफाइनिंग करते हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, सपोज आपको नेचुरल गैस दे दी, मीथेन दे दी, आप मीथेन समझ के जला दोगे, लेकिन अगर आपने उसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन निकाल दिया तो आप उस प्रोपेन और ब्यूटेन को यूज़ करके आप LPG बना लोगे, जो कि नेचुरल गैस से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। CNG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, या हम कह सकते हैं जलने की क्षमता, मतलब जलती है जो हमें हीट देती है, वो आप मान लो LPG से 1/3 होती है। LPG 3 times ज़्यादा उससे आप हीट डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी, या हम कह सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू, या जो जलने की क्षमता है वो LPG की 3 times ज़्यादा है। हमें 3 times ज़्यादा हीट हमें मिलती है। दैट्स वाई क्या होता है, नेचुरल गैस को सप्लाई करने से पहले प्लांट में ही हैवियर हाइड्रोकार्बन्स निकाल लिए जाते हैं और उनमें उनसे LPG बनाई जाती है और अदर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक डीजल, नेप्था, इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग PNG की। PNG स्टैंड्स फॉर पाइप्ड नेचुरल गैस, जो कि हमारे घरों में आती है मोस्टली। आप देखोगे आपकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो आपकी गैस की पाइपलाइन पड़ी होती है उसमें PNG घूमती है। PNG मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो नेचुरल गैस ही है जो लाइक नेचुरल गैस जो है नॉर्मली सप्लाई हुई वही है PNG, बट डिफरेंस ये है उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, मतलब जिस प्रेशर पे हमको मिल रही है उस प्रेशर ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये बन गई PNG। प्रेशर कितना होता है आपका, प्रेशर जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो 21 to 23 millibar होता है। मिलीबार आप ऐसे समझ सकते हो, 21 to 23 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोस्टली आज के टाइम में क्या होता है, PNG हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मीन्स आप अगर ऐसा मान लो रफली कि LPG तो यूज़ है ही नहीं, LPG सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर में ही होता है, क्योंकि उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि एक तो क्या LPG लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में तो आपको क्या प्रेशराइज रखना है, तो उसको कंटेनर में ही फिल करके ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ना कि वो पाइपलाइन में हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी जो LPG होती है वो हैवियर होती है, तो अगर लीकेज हुआ तो वो नीचे बैठी रहेगी, तो मतलब आग लगने के चांस ज़्यादा है। PNG जो होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है। लाइटर होने की वजह से जब अगर थोड़ा बहुत लीकेज हुआ तो हवा में मिलके वो डिस्पर्स हो जाएगी। PNG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है या हीट कैपेसिटी होती है वो LPG से काफ़ी कम होती है। तो मतलब क्या, आप अगर खाना बना रहे हो, सपोज एक राइस बना रहे हो, तो उसमें आपका जो LPG जितना अमाउंट LPG खर्च होता उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट आपका जो है PNG खर्च होगा, लेकिन उसी हिसाब से क्या है कॉस्ट भी आपकी PNG की कम पड़ती कंपेयर टू LPG। अब PNG जो होती है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है, मतलब स्मेल आप सेंस नहीं कर सकते। LPG भी वैसे ऐसी होती है, लेकिन उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं ताकि हमें स्मेल आ जाए लीक हो रहा है तो। सिमिलरली क्या होता है कि PNG में भी इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं ताकि स्मेल आए तो हम सूंघ लें। अब नेक्स्ट हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस आप देखोगे आपको हर एक पेट्रोल पंप पे आज के टाइम में CNG लग गई है, ठीक है, हर जगह आपको CNG दिखेगी। इवन आज के टाइम पे बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ठीक है, जो भी आपको गाड़ियाँ दिखेंगी मोस्टली CNG से ही चल रही हैं, ठीक है। तो CNG के बारे में हम लोग अच्छे समझते हैं। देखो CNG क्या है, नेचुरल गैस ही है, बस उसने उसको क्या किया, हमने कंप्रेस किया है, इसलिए उसका कंप्रेस नेचुरल गैस नाम हो गया इटसेल्फ, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, 100th वॉल्यूम तक कंप्रेस करते हैं। आज से 5 साल पहले आप देखो, या 5 साल छोड़ो, 2-3 साल पहले आप देखो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में पेट्रोल इंजन्स में ही यूज़ किया जाता था CNG को, लेकिन आज के टाइम आप देखोगे आपको
बहुत सारे ट्रक्स दिख जाएंगे जिसमें वाइट सिलेंडर फिटेड होते हैं, सीएनजी ये फिटेड आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएंगी जो स्टेट बसेस होती हैं वो सीएनजी पे चल रही हैं, ठीक है, थीके? और बहुत सारे पिकअप भी मिल जाएंगे आपको जो सीएनजी पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है एलएनजी। एलएनजी इज़ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, और कोई हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में है तो मे बी सुना होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो एलएनजी जो है, एलएनजी मोस्टली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज़ हम अगर अपनी कोई भी गैस है क्रॉस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर गैस फॉर्म में लेके जाओगे तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम चाहिए, कितने बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब बाय शिप होता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड हो जाती है। तो कितने टाइम्स कर दिया आपको कि हमने 600 टाइम कर दिया कंप्रेस। मतलब अगर आप नेचुरल गैस को 100 टाइम कर रहे थे तो वो सीएनजी बन रही थी, और आप उसी नेचुरल गैस को 600 टाइम करोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब आपको कंप्रेसर चाहिए जो ये काम कर पाए। तो वो तरीका सही नहीं है। इसमें क्या करते हैं, कूल करते हैं -160 डिग्री सेल्सियस। हमारे इंडिया में एलएनजी का ह्यूज अमाउंट जो है कतर से इंपोर्ट होता है। कतर में जहाँ पे टर्मिनल होगा एलएनजी का जो हम इंपोर्ट करेंगे, वहाँ पे एक प्लांट होगा जो कि नेचुरल गैस को क्या लिक्विफाई कर रहा होगा, और वो एलएनजी के कंटेनर्स में भर के हमारा शिप में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इंडिया में हमारा प्लांट है दहेज में, ओएनजीसी का दहेज में प्लांट है, वहाँ पे एलएनजी आती है, फिर वहाँ पे अगेन रीगैसीफाई करके हम लोग नेचुरल गैस, या फिर आप सीएनजी ले लो, ठीक है, या आप पीएनजी ले लो, रिक्वायर्ड प्रेशर पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई थिंक यहीं पे हमें वीडियो अपनी रोकनी चाहिए। कोई किसी को डाउट है तो आराम से पूछो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 6 साल से, एंड ऑलमोस्ट 6 ईयर्स होने वाले हैं मुझे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से ज्वाइन करने से पहले भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो मैंने लाइक इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ये चीज़ें अपनी प्रिपेयर करी थी, काफ़ी इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी तो खैर 6 साल से तो काम कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो जेन्यून डाउट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा बता पाऊँ। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।